दिवाली के बचे हुए फूल माले को यानी इस्तेमाल किए हुए फूल माला को आप फेंक देती हैं तो ये गलती भूल कर भी ना करें। फ्रेंड, एक बार लोहे के गर्म कढ़ाई में फूल की माला को डाल कर देखिए, आप चौंक जाएंगी। यकीन मानिए फ्रेंड, बस इतना करने से ही आपके घर का माहौल चेंज हो जाएगा, खुशियों से भर जाएगा, आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ आएंगी। अब ऐसा क्या करना है कि इतना अच्छा काम हमारा बन जाएगा। फ्रेंड, अगर आपके घर में ढेर सारा नेगेटिव ऊर्जा है तो उसे भी ये ख़त्म करेगा, बस आपको इसे कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड, जो हम माला और फूल का इस्तेमाल कर लेते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, दरवाजे पर लगाते हैं, तो वो जो फूल माला रहता है ना, इसे हम फेंक देते हैं। ज़्यादातर लोग तो इसे कचरे में फेंक देते हैं क्योंकि इसको हर जगह विसर्जन करने का जगह नहीं रहता है, और कुछ लोग मिट्टी में भी दबा देती हैं जिससे ये खाद बन जाता है। अगर आपके गमले में इसे डालकर खाद बना लेती हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाती हैं तो आप इस तरीके से इस्तेमाल करके देखिएगा। फ्रेंड, गमले में इतना सारा मिट्टी नहीं होता है कि हम ढेर सारे फूल और माला को उसके अंदर डाल सकें, तो आप इसे इस तरीके से इस्तेमाल करके देखिएगा। एक नहीं दो तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें फूल को ले लेना है और इस तरीके से तोड़कर इसकी पंखुड़ियों को अलग कर लेना है। यकीन मानिए दोस्तों, इसे आप ज़रूर से करेंगी और ये आइडिया आपको बहुत अच्छा लगेगा, इतना बेहतरीन है। तो बस अब क्या करना है, इसे अच्छे से फोड़ लेना है, तोड़ लेना है, इसकी पंखुड़ियों को एकदम अलग कर लेना है। अब हमारे जो आम के पत्ते रहते हैं उसे भी हम फेंक देते हैं, तो आप इसे भी इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लें। आप चाहे तो सीजर की सहायता से कट भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने फूल को और पत्ते को अच्छे से तोड़ लिया है। अब इतना फूल है, हम इसे दो तरीके से इस्तेमाल करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे और इसके ऊपर रखेंगे एक लोहे की कढ़ाई। आप यहाँ पर तवा भी ले सकती हैं, रोटी सेकने वाला, जिसमें आप कंफर्टेबल है आप वो ले लीजिएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम आधा से ज़्यादा फूल डाल देंगे और थोड़ा बचा हुआ फूल हम साइड में रखेंगे दूसरे ट्रिक के लिए। तो अब हमें क्या करना है, इस फूल को ना चलाते हुए सेक लेना है, मतलब गर्म करना है, इतना गर्म करना है कि जो आम के पत्ते हैं वो एकदम क्रिस्पी हो जाए। अब आप सोचोगे कि इतना गैस वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, इसे हम धूप में भी सुखा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप सुखा सकते हैं, मगर धूप में सुखाने से जो फूल की खुशबू है वो ख़त्म हो जाएगी, इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा और इसके ऊपर ढेर सारे धूल मिट्टी भी हो जाएंगे, जिससे ये हमारे काम का नहीं रह जाएगा। तो आप इस तरीके से करेंगी तो बस मुश्किल से आपको 3 से 4 मिनट लगेगा और ये कुछ इस तरीके से एकदम क्रिस्पी सा हो जाएगा। थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहेगा तो कोई बात नहीं, इसे छोड़ दीजिएगा ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा होगा ना तो एकदम अच्छे से ये सूख जाएगा। तो यहाँ पर ये ठंडा हो चुका है और देखिए जो पत्ते हैं ना एकदम इस तरीके से क्रंची हो गए हैं, आप देख सकती हैं। तो अभी हम इसका कुछ यूज कर लेते हैं और इसका कलर भी बरकरार है और इसकी खुशबू भी बरकरार रहती है अगर इस तरीके से इसे क्रिस्पी किया जाए। आपके पास टाइम है तो आप इसे पंखे के नीचे भी रख सकती हैं, 2 से 3 दिन के लिए ये आसानी से सूख जाएंगे और कलर और खुशबू भी नहीं जाएगा उससे भी। तो यहाँ पर मैं झटपट तरीका बता रही हूँ, इसके लिए मैं ये तरीका आपको शेयर कर रही हूँ। अब हम लेंगे अगरबत्ती। तो इतने फूलों के लिए मैंने 2 अगरबत्ती लिया है। अब इसके मसाले को हम निकाल कर इसके अंदर मिलाएंगे। अगर आपके पास धूप बत्ती है तो आप उसका भी इस्तेमाल करिएगा। अभी मेरे यहाँ धूप बत्ती ख़त्म हो गया है तो मैं अगरबत्ती का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर धूप बत्ती गीला वाला रहता है जो ना, वो डालेंगी तो और भी बढ़िया आपका ये जो बनेगा वो और भी अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर मैंने अगरबत्ती का मसाला पूरा इसके अंदर डाल दिया है, अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे कपूर, पॉसिबल है तो आप देसी कपूर ले, यानी भीमसेनी कपूर ले, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर नहीं है तो आप जो अपने पूजा में इस्तेमाल करती हैं वो कपूर भी ले सकती हैं। तो 2 से 3 टुकड़ा मैंने कपूर ले लिया है, अच्छे से क्रश करके इसके अंदर डाल देंगे। कपूर जो रहता है ये हमारे घर के नेगेटिव ऊर्जा को दूर करता है और कपूर से मच्छर और मक्खी भी भाग जाते हैं। अब इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब देसी घी डालेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको देसी घी का इस्तेमाल करना है और ये जो हम बना रहे हैं ना, ये पूजा का फूल है तो पूजा में ही इस्तेमाल करेंगे।
आप इसे इस तरीके से हवन सामग्री में भी डालकर मिक्स करके इस्तेमाल कर सकती हैं या फिर इस तरीके से धूप बत्ती बना सकती हैं। तो देखिए, बस आपको मिला लेना है सब चीज़ों को, फिर आपको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लेना है और इसे अपने हिसाब से शेप दे देना है। तो यहाँ पर आप चाहे तो इस तरीके से देखिए धूप के जैसा शेप दे के स्टैंड कर दें, या फिर आप गोल गोल लड्डू बनाकर भी इसे रख सकती हैं। अगर आप इसमें गीला वाला धूप बत्ती डालेंगी तो ये और भी ज़्यादा चिपचिपा होगा, जिसकी वजह से ये और भी अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगा, मतलब इसके अंदर बाइंडिंग आएगा और ये अच्छे से बंध जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे बना लिया है, अब चलिए इसका इस्तेमाल करके दिखाती हूँ। तो आपको एक धूप को लेना है और इस तरीके से एक दिया में डाल देना है, उसके बाद माचिस से इसे जला लेना है। फ्रेंड यकीन मानिए, इसकी खुशबू तो बेहतरीन आती है, साथ ही साथ आपके घर की नेगेटिव ऊर्जा भी बाहर हो जाएगा और पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर में हमेशा बरकरार रहेगा। जब हमारे घर में एक अच्छी सी खुशबू रहती है तो हमारा दिमाग भी अच्छे से काम करता है और जल्दी से गुस्सा नहीं आता है फैमिली मेम्बर में किसी को भी। और बस आपको इसे जलाना है, पूरे घर में घुमा देना है। और एक और साइंस इसका है कि इससे ना जो आपके घर में शाम के 6 बजे मच्छर आते हैं ना अंदर, तो आप शाम को 6 बजे ही इसको जलाइए, जिससे मच्छर और मक्खी भी बाहर ही रहेंगे। तो ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है, घर के लिए भी अच्छा है। आप इसे पूजा में भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जब आप अगरबत्ती वगैरह जलाती हैं उस टाइम पर आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। ये बहुत ही सुगंधित होता है, बहुत ही लाभदायक होता है। चलिए, अब ये धूप बत्ती तो बन गया, अब चलिए आधा जो ये बचा है ना, हम इसको भी इस्तेमाल करके देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करने के लिए हम एक बर्तन लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी, नॉर्मल पानी हमें लेना है, पीने का साफ पानी लीजिएगा। अब इसके अंदर हम ये फूल डाल देंगे, तो फूल को तोड़कर ही इस्तेमाल करना है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। अब फूल को डालने के बाद क्या करेंगे, इसे ले चलते हैं गैस की तरफ, तो एक बार अच्छे से मिला लेंगे ताकि फूल पानी में अच्छे से डिप हो जाए। फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ये वीडियो आप कहाँ से देख रही हैं ये भी बताइएगा, मुझे खुशी होगी और मुझे पता चलेगा कि मेरे सब्सक्राइबर मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। अब इसे हम गर्म करेंगे, जल्दी से उबाल आ जाए उसके लिए ढक दीजिएगा, 2 मिनट में इसमें उबाल आ जाएगा। जब उबाल आना शुरू होगा तो इसे खोल कर चला लीजिएगा, गैस का फ्लेम लो कर देना है और इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेना है। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो प्रीति रसोई से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको ऐसे ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स और ब्यूटी टिप्स आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 मिनट पका लिया है, इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो आप इसे छान लीजिएगा। तो एक बर्तन ले लें, उसके ऊपर छन्नी लगाकर कुछ इस तरीके से छान लेना है। फ्रेंड आप फूलों को अगर फेंक देती हैं कचरे में तो बिल्कुल भी ये गलती ना करें, अगर हम इसका रीयूज कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास इसका विसर्जन करने के लिए जगह है या मिट्टी में दबाने के लिए जगह है तो आप उस तरीके से भी इसे दबा सकती हैं। अब यहाँ पर मैंने इसे पूरा छान लिया है, अब इसमें डालेंगे 1 गोली कपूर का। कपूर को इस तरीके से क्रश करके डाल दीजिएगा, उसके बाद आप एक स्प्रे बॉटल ले लीजिएगा, बॉटल के अंदर इसे फिल करना है और अच्छे से बंद करके शेक कर लेना है ताकि कपूर इसमें अच्छे से घुल जाए। कपूर का टुकड़ा रहेगा तो इसके पाइप में जाएगा, जिससे ये अच्छे से स्प्रे नहीं होगा, इसके लिए आप इसे अच्छे से घोल लीजिएगा। उसके बाद आप अपने घर के कोने कोने में इसे स्प्रे करिए, बहुत ही अच्छी फ्रेशनेस खुशबू भी रहेगा और मच्छर छिपकली कॉकरोच वगैरह भी भाग जाते हैं। यकीन करिए फ्रेंड, ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, उम्मीद करती हूँ अच्छा।